कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। पाप का विचार भी नहीं किया तो प्रतिज्ञा नहीं ली, इतनी सी बात में पाप कर्म का बंधन क्यों होता है? पाप का बंधन होता है क्योंकि जीव ने पाप त्याग की प्रतिज्ञा ग्रहण नहीं की है, जिसका अर्थ यह होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं पाप की अपेक्षा विद्यमान है। उदाहरण, सुबह विचार किया कि आज उपवास करना है, किंतु पचखाण यानी कि प्रतिज्ञा नहीं ली क्योंकि शायद मध्याह्न काल में ज्यादा भूख लग गई तो, भूख की पीड़ा ना हुई तो उपवास कर लूंगा। अब इस विचार में गर्भित क्या है? यही ना कि भूख लगने पर भोजन कर लूंगा, अर्थात मन में तो आहार की अपेक्षा है ही। भले ही वह जीव भोजन नहीं करता, किंतु भोजन करने की जो अपेक्षा विद्यमान है वह भी पाप रूप है। इसी प्रकार जमीन कंद नहीं खाता, परंतु नियम लेने पर टूट गया तो, इस भय से वह जीव जमीन कंद के त्याग का नियम ही नहीं लेता। उसके मन में भी यह विचार है कि शायद संजोगवश होकर जमीन कंद खाना भी पड़ सकता है। इस प्रकार मन में कहीं ना कहीं जमीन कंद खाने की अपेक्षा का रहना ही पाप रूप है, अतः कर्म बंधन होते ही है। जैन शासन तो यह कहता है कि पाप को कर्तव्य मानने का मिथ्या भाव भी पाप है। मन में पाप का अपेक्षा भाव रखना भी पाप है। पाप के विषय में राग द्वेषादि भी पाप है, और पाप का आचरण अर्थात विचारणा, वाणी, वर्तन भी पाप ही है। हरी सके ना कोई तारा, गुणों ना सरवाला, युगो सुदी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा।